आप एक सजा याफ्ता शख्स हैं, लेकिन लाहौर की पुलिस का ऑफिसर जो है वो आके आपको सलूट मारता है। शेख रशीद साहब का इंटरव्यू 24 घंटे पहले हुआ है, मेरी नजर में तो शायद ये भी नवाज शरीफ साहब के लिए गिफ्ट था। इमरान खान बगैर इवन बगैर सपोर्ट के, मैं कह रहा हूं बगैर स्टेट मशीनरी की सपोर्ट के, आज अगर मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करता, इससे बड़ा जलसा करता। मजीद वीडियो दिखाने के साथ साथ आपको बताता चलूं, नासरीन इकराम, जैसा कि आपने सीनियर एंकर मंजूर अली खान का ये तजिया सुना जो कि उसने नवाज शरीफ के वतन वापस आने, नवाज शरीफ के जलसे और नवाज शरीफ के पॉपुलर होने के बयानियों को तबाह करके रख दिया। सीनियर एंकर मंजूर अली खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को पूरी तरह सहूलतकारी फराहम कर रही है, ये पाकिस्तान के साथ एक घिनौना मजाक है कि अदालतों से सजा याफ्ता मुजरम जब पाकिस्तान में लैंड होता है, पाकिस्तान के फौजी अफसर उस मुजरम का इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। क्यों पाक फौज के आला अफसरान उस चोर को सल्यूट मारते हैं? सीपीओ लाहौर किस कानून के तहत नवाज शरीफ को सल्यूट मार रहा था? इसके साथ साथ मंसूर अली खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने सरासर झूठ बोला कि उनके दिल में किसी के लिए इंतकाम का जज्बा नहीं, हालांकि एक दिन पहले ही नवाज शरीफ को खुश करने के लिए शेख रशीद का इंटरव्यू दिलवाया गया। नवाज शरीफ के कहने पर पीटीआई के रहनुमाओं को तोड़कर एक अलहदा पार्टी बनाई जा रही है। अगर इनको इतने ही पॉपुलर होने का यकीन है तो एक दिन के लिए इमरान खान को रिहा करें और सिर्फ इतना ऐलान कर दें कि कल इतने बजे इमरान खान रिहा हो जाएगा, तो इस तरह के दो मीनारे पाकिस्तान भी खुद ब खुद लोगों से भर जाएंगे। पूरे पाकिस्तान से लोगों को इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। शुक्रिया।